हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम एक्सेल में ऐसे फार्मूले के बारे में बात करेंगे, ऐसे कमांड के बारे में बात करेंगे जिसके द्वारा अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को चुटकी बातें ही हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक ऐसा कमांड जिसका यूज मल्टीनेशनल कंपनियों में किया जाता है, जिसके बिना डेटा को ऑर्गेनाइज करना संभव ही नहीं है। यानी अगर हमारे पास डेटा है वो भी अनऑर्गेनाइज, तो उसको कैसे चुटकी बातें ही ऑर्गेनाइज करते हैं, आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आ चुके हैं अपने एक्सेल शीट पर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ डेटा फिल किया गया है, जिसमें एम्प्लॉय का कोड है, एम्प्लॉय का नेम है, सिटी है और स्टेट है, जो कि एक सिंगल कॉलम में ही आ गया है। अगर इस डेटा को हमें अलग अलग कॉलम में करना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने डेटा को कंट्रोल प्लस ए के द्वारा सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपको दिख रहा है डेटा टैब, इस पर क्लिक करते हैं और एक कमांड है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम कमांड पर क्लिक करने से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे दो मेन ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन है डीलिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है फिक्स्ड विड्थ। फिक्स्ड विड्थ जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब हमारे डेटा की चौड़ाई फिक्स हो, लेकिन जो डेटा यहाँ भरे गए हैं उनके विड्थ की चौड़ाई फिक्स नहीं है, क्योंकि किसी का स्टेट गोवा है तो किसी का स्टेट उत्तर प्रदेश है जो फिक्स नहीं है, किसी का नाम सीता है तो किसी का नाम यहाँ पे आदित्य है जो कि फिक्स विड्थ में नहीं है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं डीलिमिटेड। तो डीलिमिटेड को सेलेक्ट करके जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं तो हमारे सामने डेटा अलग अलग कॉलम में हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो समझ गया है कि हमने यहाँ पे हाइफ्रेशन का यूज किया है। लेकिन अगर यहाँ पर डेटा को सेपरेट करने के लिए किसी और सिंबल का प्रयोग किया गया हो तो इसको मिटा करके हम उस सिंबल को यहाँ पर लगा देंगे तो डेटा हमारा अलग अलग कॉलम में हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डेटा को अलग करने के लिए टैब का प्रयोग किया गया हो, सेमीकोलन का प्रयोग किया गया हो, कॉमा का प्रयोग किया गया हो या स्पेस का प्रयोग किया गया हो। तो अगर डेटा को अलग करने के लिए टैब, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस का प्रयोग किया गया होगा तो इसको हम टिक करेंगे, अदरवाइज अदर पे आके और जो सिंबल यूज किया गया है उसे यहाँ पे जैसे ही लगाते हैं तो डेटा हमारा अलग अलग कॉलम में हो जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने से आपके सामने नेक्स्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे हमें बताना होता है डेस्टिनेशन, यानी जो डेटा है हमारा वो कहाँ पर अलग हो। तो अगर यहाँ पर A1 में ही हम रखते हैं तो जो डेटा है वो A1 में ही अलग अलग कॉलम में हो जाएगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं जो सी कॉलम है यहाँ से डेटा हमारा अलग अलग आए तो हम डेस्टिनेशन में क्लिक करने के बाद सी पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम फिनिश करेंगे तो डेटा हमारा सी से अलग अलग कॉलम में हो जाएगा। तो फिनिश करते हैं, ये देखिए दोस्तों, जो डेटा हमारा है वो अलग अलग कॉलम में हो गया है। यहाँ पे एम्प्लॉय का कोड अलग हो गया है, एम्प्लॉय का नेम अलग हो गया है और यहाँ पर सिटी अलग हो गया है और स्टेट अलग हो गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम भरे गए डेटा को अलग अलग करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे कोई डेटा हो जो एक साथ लिख दिया गया है और उसे अलग अलग कॉलम में करना है तो यहाँ पे हम लोग जो डेटा टैब है हमारा उसके टेक्स्ट टू कॉलम कमांड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको करने में बहुत टाइम लग रहा है तो आपको हम बताने वाले हैं एक जादू, जिसके द्वारा इस चीज को आप बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं, जो अभी बताया गया उससे भी आसान, उससे भी फास्ट और उससे भी अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऑप्शन है ये ऑफिस 2007 या उसके पहले के वर्जन में काम नहीं करता है। तो अगर आपके पास 2007 के बाद का कोई भी ऑफिस है तो उसमें आप इस जादू का प्रयोग कर सकते हैं। तो जादू का नाम क्या है इसे वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे, अभी हम उस जादू को दिखाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि एम्प्लॉय का कोड आ जाए, केवल कोड आ जाए, तो इस डेटा में से हम एम्प्लॉय का कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले डबल क्लिक करेंगे इस सेल के ऊपर, हमारा कर्सर जैसे ही उस सेल में आएगा डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और बी कॉलम में क्लिक करके कंट्रोल वी के द्वारा पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद हम एक जादू प्रेस करेंगे जिसका नाम है कंट्रोल ई। देखा दोस्तों, जैसे ही हमने कंट्रोल ई प्रेस किया
डेटा सभी के सभी यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो जो जादू है उसका नाम है कंट्रोल प्लस ई। इसी प्रकार अगर इस डेटा में से हम एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं कंट्रोल सी के द्वारा, और यहाँ पे सी कॉलम में कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं और कंट्रोल ई प्रेस करते हैं, तो हो गया जादू। आप देख रहे होंगे डेटा जो थे वो हमारे सी कॉलम में आ गए हैं। तो कैसा लगा आपको जादू, कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी और भी कुछ है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, तो आप वीडियो में बने रहिए। देखते हैं अब हम सिटी को यहाँ पे कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल ई। देखिए दोस्तों जो हमारा सिटी है ये भी हो गया है। तो आपने जादू देखा, इसके अलावा अब और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि जो एम्प्लॉय कोड भरा गया है, जो एम्प्लॉय का नेम भरा गया है, जो सिटी भरा गया, स्टेट भरा गया है, ये मुझे चाहिए कैपिटल लेटर में, तो कैसे होगा दोस्तों, कैपिटल कैसे करेंगे इसको हम? देखिए जादू से ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले इस डेटा को हम डिलीट करते हैं और यहाँ से डबल क्लिक करके जो एम्प्लॉय कोड है उसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी से, यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, और जैसे पेस्ट करेंगे तो इसको हम लोग कैपिटल में लिखेंगे, इसको मिटाएंगे और यहाँ पे हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। कंडीशन ये है कि जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, अगर इसमें कोई भी गलती होगा, जैसे आप देखिए सी ओ डी ई की जगह डी ओ डी ई हो गया है, तो नहीं होगा। आपको यहाँ पे सी ओ डी ई यानी आपको स्पेस का भी अंतर नहीं होना चाहिए। आप लिख करके और जैसे ही कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, ये देखिए दोस्तों जो डेटा है वो हमारा यहाँ पे आ गया है और कैपिटल लेटर में आ गया है। इसी प्रकार से अगर हमें एम्प्लॉय का नेम चाहिए तो आप कॉपी नहीं भी करते हैं, बस आपको लिखना है ई एम पी स्पेस एन ए एम ई, और आप इसको लिखने के बाद एक बार उस पर फिर से क्लिक करके और कंट्रोल ई प्रेस करते हैं। देखिए हुआ ना जादू, जो डेटा है वो कैपिटल लेटर में दूसरे स्थान पे आ गया। अगर आप कैपिटल की जगह आप चाहते हैं सेंटेंस केस में हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी, तो सी में सी को आप कैपिटल करते हैं, सी आई टी वाई, सी कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है। एक बार बाहर क्लिक करके उस डेटा को फिर से सेलेक्ट करते हैं और जैसे ही कंट्रोल ई प्रेस करते हैं, देखिए आप देख पा रहे होंगे जो डेटा वहां से यहाँ कॉपी हो रहा है वो सेंटेंस केस में है। ठीक है दोस्तों, अब हम चाहते हैं कि जो हमारा स्टेट है, स्टेट जो है वो कैपिटल लेटर में हो, तो यहाँ पे हम कैपिटल में लिखेंगे स्टेट एस टी ए टी ई, और बाहर क्लिक करके सेल को फिर सेलेक्ट करते हैं और जैसे ही कंट्रोल ई प्रेस करते हैं, देखिए सभी स्टेट जो है वो कैपिटल लेटर में आ गए हैं। तो दोस्तों जो जादू है, इस जादू का नाम है फ्लैश फिल, जो आप देख पा रहे होंगे टेक्स्ट टू कॉलम के जस्ट बगल में है फ्लैश फिल, इसका शॉर्टकट आ रहा है कंट्रोल प्लस ई। दोस्तों ये कंट्रोल प्लस ई एक ऐसा जादू है जिसके द्वारा आप रैंडम डेटा को, जो डेटा रैंडमली भरा गया है यानी डेटा का ऑर्डर जो है वो सही नहीं है, उसमें डेटा तो है लेकिन वो एक सही तरीके से नहीं भरा गया है, प्रॉपर वे में नहीं भरा गया है, तो आप कंट्रोल ई के द्वारा या टेक्स्ट टू कॉलम के द्वारा उसे एक प्रॉपर वे में भर सकते हैं। दोस्तों ये जो कमांड है इसका यूज बड़ी बड़ी कंपनियों में डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा को प्रॉपर वे में लाने के लिए यूज किया जाता है, जिससे घंटों का काम सेकंडों में होता है। आई होप दोस्तों आपको सभी स्टेप्स आसानी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जो कि कहीं जॉब करते हैं और उन्हें एक्सेल के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, तो उनसे आप शेयर कर सकते हैं, जिससे आपका भी भला हो, उनका भी भला हो और हमारे चैनल का भी भला हो। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।